और सीधे हम आपको लेकर चलते हैं जी पुरोहिया के खास कार्यक्रम जो इस वक्त पटना के एक होटल में चल रहा है, सीक्रेट्स ऑफ शुगर केन कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कई लोग मौजूद हैं, विभागीय मंत्री मौजूद हैं और क्या कुछ कहना है सीधे आपको सुनाते हैं। एक कहावत है, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। आज ये कहावत हकीकत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक वक्त था जब बिहार को शुगर बोल कहा जाता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि शुगर बोल से शुगर ही गायब हो गई। फिर भी बिहार के गन्ना किसानों में हौसले की कमी नहीं है। ये किसान गन्ना उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन उनकी ये मेहनत सार्थक कैसे होगी और बिहार का गन्ना उद्योग अपने खोए गौरव को दोबारा हासिल कैसे करेगा, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी एक छोटी सी पहल सीक्रेट्स ऑफ शुगर केन। मैं गुजारिश करूंगी माननीय मंत्री जी से, श्री खुर्शीद अहमद जी से, कि वो दीप प्रज्वलित करने के लिए, इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए मंच पर आए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी जी पुरवैया के उप संपादक अनुभव खंडूरी से कि वो भी मंच पर आए। साथ ही हम गुजारिश करेंगे श्री गिरिजेश श्रीवास्तव, ईख आयुक्त गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार, आप भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में मंत्री जी का साथ दें। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री एस एन सिंह को, आप वैज्ञानिक हैं भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान लखनऊ, आप भी मंच पर आए। इसके साथ ही हम गुजारिश करेंगे श्री सी बी पटौदिया जी से, आप भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का हिस्सा बने। माननीय मंत्री जी आप बने रहे हैं मंच पर, अब हम गुजारिश करेंगे हमारे उप संपादक जी। हमें यह बताते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि आपका टीवी चैनल जी पुरवैया हमेशा आपके मुद्दों की बात करता आ रहा है। एक तरफ जहां आज के जमाने में तमाम टीवी चैनल्स टीआरपी की बात करते हैं, हम हमेशा आपसे जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। के हक की आवाज, यहाँ पर पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशानी तो है, समाधान कहाँ मिलेगा, कोई नहीं सुनता, क्या करें, चाहिए। मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी, खबरों से पहचान हम कराते हैं, मुश्किल में है लोग, बेपरवाह है तंग, रफ्तार से बदल रही है दुनिया, बदलती दुनिया से वास्ता हम कराते हैं, बिहार झारखंड हर घटनाक्रम, सबसे झूठा राजभाष हम कराते हैं, सरकार हो समाज का सरकार हो या सियासी तकरार, बहस के दायरे में लाकर खबरदार हम कराते हैं, खेल सिनेमा और रंगमंच के हर रंग और रौनक, आपकी उम्मीदों से आपकी गुफ्तगू हम कराते, सिर्फ खबर की खोज नहीं वो खबर जो जिंदगी को दे जोश, रोजाना इसी तरीके से पानी निकालते हैं। रतन टोला खास इसलिए है क्योंकि इस गांव के हर घर से एक या दो सदस्य फौज में हैं।
पाकिस्तान बॉर्डर पर दुश्मन से नहीं आदमी डरता था, लेकिन यहाँ पर पानी से डरा जा रहा। आपके सवालों के जवाब आप तमाम सियासतदान तय करेंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह। सियासत की उलझी संस्कृति या सरोकार की बनती बिगड़ती नीति, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार के लिए आपने बदलते वक्त की सोच से हम आपको रूबरू कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि एंड यू आर वाचिंग योर ओन शो ज़ेड। आपने भरोसा किया, हमने पूरा किया। नमस्कार, आप देख खबरदार में आप फैसला राजनीति से जुड़ी हर एक खबर, गुना के हर राज का पर्दाफाश, बात चाहे जल्दी हो दंगल या फिर जमीन। आपका अपना न्यूज चैनल जी पुरवैया। अब मैं उप संपादक श्री अनुभव खंडूरी जी से आग्रह करूंगी कि वो मंत्री जी के साथ गन्ना उद्योग के क्षेत्र में बिहार की चुनौतियों और उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के रास्ते पर चर्चा को शुरू करें। शुक्रिया रश्मि। गन्ना उद्योग के क्षेत्र में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भविष्य के जो सुनहरे सपने हम देख रहे हैं वो अतीत के पन्नों में सिमटे हों, लेकिन हमें इन्हें अतीत के पन्नों से निकालकर दोबारा से सुनहरे भविष्य में तब्दील करना है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि मंत्री जी ने एक ब्लॉक प्रमुख के तौर पर राजनीति में अपना सफर शुरू किया, और कुछ तो खास रहा होगा कि नीतीश कुमार जी ने आप में वो देखा कि आपको आज राज्य में गन्ना उद्योग मंत्री का कार्यभार दिया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको साहब इस कार्यभार के लिए। चुनौती बहुत बड़ी है मंत्री जी, क्या कहेंगे आप? मनुष्य के लिए अगर उसके जीवन में चुनौती नहीं हो तो फिर मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं है। चुनौती भरी घासवाल हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे आइडियल हम उनको मानते हैं, चूंकि मुझे जो चुनौती उन्होंने जो गन्नी विभाग की जिम्मेवारी जो मेरे कंधे पर उन्होंने सौंपा, चूंकि मैं चंपारण के धरती से आता हूं और चंपारण जो है गन्ने की वो धरती है जो चंपारण के धरती को गन्ना से जुड़ा हुआ चंपारण के जो है गन्ने का है मैके कहा जाता है, और मैं एक मामूली छोटे किसान का बेटा हूं, गांव से बिलोंग करता हूं। आप एक मुखिया से मंत्री तक बने हैं। जो मैं अपना जीवन गांव के गलियारों में, मैं एक खुद किसान का बेटा हूं, मैं पंचायत समिति निर्वाचित हुआ, होने के बाद मैं प्रमुख बना, प्रमुख के बाद जो है यहां तक जो है सफर किया। मुझे जो है गांव में और किसानों, खासकर मैं किसान के बेटा हूं तो किसानों की व्यथा सुना नहीं हूं, मैं देखा हूं, एहसास किया हूं, तो उस चुनौती को मुझसे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता हूं। और जो मुखिया नीतीश कुमार ने जो इस लायक मुझे समझा, मुझे गर्व है कि इस चुनौती के लिए वह मुझे स्वीकार किया और ये जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आया। क्योंकि एक हमारे मुखिया एक खुद गांव से बिलोंग करते हैं, वो खुद एक छोटे किसान के बेटे हैं, तो उन्होंने किसानों की व्यथा को समझते हुए, और चंपारण में आप देखे होंगे कि बिहार में जब से वो मुख्यमंत्री हुए कोई भी योजना का शुभारंभ चंपारण के ही धरती से उन्होंने शुरू किया। चंपारण के धरती और चंपारण के किसानों की व्यथा से भली भांति हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अवगत हैं, और उसका नतीजा है कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दिया। और चुनौतियां मनुष्य के जीवन में चुनौतियां नहीं हो तो फिर काम करने का कोई जो है मजा ही नहीं है। जी सही बात। मंत्री जी, बिहार के गन्ना किसानों की जो खुशहाली के चर्चे थे वो हम सब सुना करते थे, बिहार को शुगर बोल कहा जाता था, अब हालात बदल गए हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, जो विफलताएं रही वो कहाँ रही, कहाँ पे हम सही काम नहीं कर पाए जो हमें करने चाहिए थे?
देखिए, मनुष्य पूर्व के इतिहासों की तरफ नहीं ध्यान देता है। मनुष्य का काम है, मनुष्य का कदम आगे की ओर बढ़ता है तब मंजिल जाकर प्राप्त होती है। कभी वो बिहार जो है गन्ने के मामले में एक नंबर माना जाता था, तरह तरह की आधुनिक मशीनें बदलती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। कल की आप जो 15 साल पहले जाएंगे, बिहार की स्थिति कुछ और थी। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली, उन्होंने बिहार के जो बंद चीनी मिलें जो बंद थी, जिसमें दो मिलों 2008 में जो है जैसे लौरिया सुगौली को उन्होंने स्टार्ट किया, चालू करवाया, और भी किसान हित में, क्योंकि ये देश तभी मजबूत हो सकता है कि जब किसान की आर्थिक समर्थन सुनिश्चित होगा, बढ़ेगा, तभी जाकर देश किसान मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होंगे, बिहार मजबूत होंगे होगा, तभी जाकर जो है भारत मजबूत होगा। और उस दिशा में एक अभी वर्तमान सरकार भी नीतीश कुमार ने किसानों के प्रति, गन्ने किसानों के प्रति एक मुहिम छेड़ रखी है, और उस मुहिम के तहत जो है अनेक प्रकार की योजनाओं का जो है कार्य क्रियान्वयन की जा रही है। किसानों को उन्नत किस्म की जो है गन्ने लगाने के लिए शिविर प्रशिक्षण दी जा रही है, सरकार से अनुदान भी दी जा रही है। फैक्ट्रियों को भी ये सरकार जो है किसान हित में ही, क्योंकि किसान को किसी तरह की कोई असुविधा प्राप्त नहीं हो, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो है किसान के साथ साथ फैक्ट्रियों को भी नीतीश कुमार जी ने जो है हर संसाधन उपलब्ध कराया, आर्थिक रूप से भी मदद किया। गत दिनों में आप जाएंगे, गत दिनों में चीनी की दरें जो है बहुत कम थी, मुख्य रूप से किसानों को भी कैसे जो है फैक्ट्री भी चरमरा गई थी। ये नीतीश कुमार का आज हम लोग जो है उनके लिए दुहाई दें, उनको उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जब से नीतीश कुमार ने जब ये चीनी मिलों को उन्होंने आर्थिक रूप से जब मदद किया, हर रूप में जाकर जो है फैक्ट्री के हित में, क्योंकि सबका सारांश एक ही है कि किसान हमारा कैसे मजबूत हो, ससमय भुगतान कराना, किसानों के उत्तम किस्म की बीज दिलाना, उत्तम किस्म की गन्ना लगाने पर किसान द्वारा 135 रुपया अनुदान मुहैया कराना, ये चुनौती ये नीतीश कुमार ने इसको जो है छेड़ रखा है, और ये मुहिम चलाई जा रही है। मंत्री जी, आपने कहा कि नीतीश जी ने काफी काम किया, लेकिन एक चीज जो हमें थोड़ी सी चुभती है वो ये है कि आप जिस सरकार के मंत्री हैं वो सरकार पिछले 15 साल से है लगभग, तो और अगर उससे पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया तो क्या 15 साल बहुत समय नहीं होता है? नहीं, 15 वापस पटरी पे लाने के लिए चीजों को, देखिए 15 साल नहीं, ये कृषि रोड मैप जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार चल रही है, उनका करीब 15 साल है। हाँ, नहीं 15 साल नहीं, अभी 11 साल हुआ, उसमें भी 13 महीना माइनस कर दीजिए मिस्टर माझी ने जो तो आकर इतना बोझ बढ़ा दिया, सारे सिस्टम साल, हाँ नहीं 13 महीना, हाँ वही 13 महीना, सारे सिस्टम जो हमारे लाइनअप जो पहले से जो है हमने कृषि रोड मैप बना रखा था, देखिए ये रोड मैप में अगर 13 महीना गैप हो जाना, सारे हमारे सिस्टम को चरमरा दिया उन्होंने माझी जी ने। फिर लोगों के, जनता के दबाव पर, कर्जकर्ताओं के दबाव पर फिर उन्होंने जो है अपने ये संभाला, और 11 साल क्या उनको 10 साल हुआ, 10 साल में मैं बोला कि दो जो फैक्ट्री बंद थी वह चालू, लगातार जो 8 मिलें हमारी जो बंद पड़ी है उसके लिए भी चालू करने के लिए, खोलने के लिए हमने 5वां निविदा भी ये राज्य सरकार ने जो है निविदा आमंत्रित कर दी है हम। और एक चीज मैं बता दूं, ये नीतीश कुमार का ही ये दिन है कि 2017 का सीजन जो है रैयाम चीनी मिल भी पेराई करने जा रहा है, रैयाम मिल भी काम लगा दिया है, 2017 में रैयाम मिल चालू हो जाएगा। तो रहा सवाल रोड बैन किसी को जो है कार्यान्वित क्रियान्वयन करने के लिए, एक ये होता है उन्होंने तो जो रहा, और हम बोला ना जो बंद दो फैक्ट्री जो है जो बंद पड़ी थी उसको चालू करवाना, किसानों को अनुदान, ये तो मैं नहीं समझ रहा हूँ पहले किसानों को ये अनुदान 135 रुपया जो दी जाती है, जो 1675 हम कैश के रूप में जो फैक्ट्री को अनुदान ये सरकार दे रही है, हमने जो है विदाउट इंटरेस्ट 203 करोड़
जब फैक्ट्री की दयनीय स्थिति, चूंकि मार्केट में जो है चीनी की कम दरें जो थी, जो बहुत ही सराहनीय काम है आपकी तरफ से, ये अवलोकन करते हुए नीतीश कुमार ने 203 करोड़ विदाउट इंटरेस्ट सारे फैक्ट्रियों को जो है ऋण मुहैया कराया, जिसका इंटरेस्ट जो है बिहार सरकार ये कर रही है। सही कहा मंत्री जी। अगला सवाल रखेंगे। बिहार सरकार ने कृषि कैबिनेट का भी गठन किया, वो कृषि कैबिनेट में हम अगर गन्ना उद्योग पे बात करें तो गन्ना उद्योग के लिए उस कृषि कैबिनेट ने क्या क्या किया या आगे की प्लानिंग क्या है, विकास के लिए कृषि कैबिनेट गन्ना उद्योग को किस तरह से मदद कर रहा है? गन्ना उद्योग के लिए जो है हम लोग जो किसान अनुदान, ये जो है डीजल अनुदान के रूप में किसानों को हम लोग अनुदान दिया, मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत जो है किसानों को जो है 100 उत्तम जो है किस्म की जो गन्ना लगाने वाले किसान को 135 रुपया पर क्विंटल जो है राज्य सरकार दे रही है, दावा का दे रही है, फर्टिलाइजर का दे रही है, और भी मान लिया जो लोग अपना ये हैंड पंप लेते हैं उस पर भी सब्सिडी जो है राज्य सरकार दे रही है, और जो फैक्ट्री को भी अनुदान दे रही है। अभी राज्य सरकार 27.5 रुपया अनुदान दे रही है, भारत सरकार 230 रुपया ही गन्ने का रेट निर्धारित की है। मेरा तो संचिका, बिहार सरकार का संचिका आज तक भारत सरकार को लंबित है। भारत सरकार बहुत जो है बात करता है हिमायती, किस किसानों की हिमायती की बात करता है, मेरा संचिका वहां लंबित है। जो मैं ये मांग रहा हूं, राज्य सरकार जो है ये अधिकार मांग रही है कि हमको किसानों के गन्ने का रेट जो है तय करने के लिए जो भारत सरकार हमको अधिकार दे दे, जो अन्य राज्यों को दिया है, पंजाब को दिया है, महाराष्ट्र को दिया है, यूपी को दिया है, बिहार को भी जो है गन्ने का दर तय करने के लिए अधिकार दे दे, वो आज तक जो है हमारा लंबित है। फिर भी 230 रुपया FRPF द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा 230 रुपया ही किसानों का गन्ने का रेट निर्धारित है, लेकिन उस पर जो है हम लगभग लमसम आप जोड़ेंगे उसका प्रतिशत निकालेंगे तो हम 45 या 47 रुपया पर क्विंटल ये बिहार सरकार किसान हित में भुगतान कर रही है, और जो अपने पैसा वो राज्य सरकार दे रही है किसानों को। मंत्री जी आपने सही कहा, चुनौतियां कई हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि गन्ना, अब तो सरकार ये भी नहीं कह सकती कि गन्ना मिल तक सड़क नहीं जाती, गन्ना हम उगा रहे हैं लेकिन गन्ना आज भी मिल तक नहीं पहुंच रहा है। मजबूर है किसान, सूख के वो गन्ना सूख जाता है, उसको जलाना पड़ता है। इसके लिए हम सरकार की तरफ से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या करें। एक चीज मैं बता दूं, ये वर्तमान में अभी मैं जब से नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेवारी मेरे कंधे पर दिया है, और ये मैं समझता हूं चूंकि हमारी बात होती है कंप्लीट, ये गन्ना विभाग और ये गन्ने का जो है समीक्षा वह महीना दो महीना पर स्वयं नीतीश कुमार जी ये समीक्षा करते हैं स्वयं। पूर्व में भी उनके द्वारा जो है मार्गदर्शन किया गया, दिया गया, और उनके मार्गदर्शन में ही जो है मैं नियंत्रण, और ये आपने जो गन्ना जलाने की बात कहा अभी तो मेरे कानों तक इस तरह की खबर, इस तरह की बात मेरे बनने के बाद कोई मंत्री जी हमारे पास मेरे पास या कोई जो है ऐसा नहीं आया कि गन्ना जलाया गया। मंत्री जी जी मीडिया दोनों पक्ष की बात करता है, और हमें हमारे पास किसान भाई आते हैं, किसान भाइयों के सवाल आते हैं, किसान भाइयों की मेल फोन और तार आते हैं। हम किसानों की तरफ से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उसके लिए सरकार, अगर मान लीजिए, चलिए हम मान लेते नहीं हुआ, नहीं हो रही है बर्बादी किसान की गन्ने की, फिर भी सरकार क्या और प्रयास कर रही है जिससे कि उन किसानों को वो नुकसान ना हो? नहीं नहीं, नुकसान ये तो फैक्ट्री को जो कमांड एरिया जी हम आरक्षित करते हैं, तो अगर समय पर अगर संबंधित फैक्ट्री उस गन्ने को नहीं ले जाता है तो उस गन्ने का आकलन कर उस गन्ने का भुगतान किसान को करना है, जलाने वो चाहे अब फैक्ट्री जला दे या अपने फैक्ट्री में ले जाकर गन्ना का पेराई करे, ये तो आदेश है, और वो फैक्ट्री पेमेंट करता है, वो मिल समझता है कि मान लीजिए फैक्ट्री बंद हो गया, जैसे किसी का 5 एकड़ 10 एकड़ अगर रह गया उसके चलते तो फैक्ट्री को चलाया नहीं जाएगा, ठीक है, काफी क्षति होगी फैक्ट्री चलाने में। ऐसी परिस्थिति में फैक्ट्री उस गन्ने की पैमाइश कर उस खेत की पैमाइश कर गन्ने किसान का
भुगतान करती है। मंत्री जी, एक और चीज जो किसान भाई भी महसूस करते हैं कि जो गन्ना किसान और मार्केट में तालमेल होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है कि किसान को बाजार ना जाना पड़े, बाजार किसान के पास आए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या खास योजनाओं की बात की जाएगी? आज तो बाजार किसान के पास नहीं जाता तो फैक्ट्रियां किसानों के दरवाजे तक चलकर जाती है। लगाए गए गन्ने के खेतों को पैमाइश करना, ये तो बाजार ही गया किसानों के पास। किसान फैक्ट्री के पास नहीं जाता है कि मैंने गन्ना लगाया है। फैक्ट्रियां खुद जो है पंचायत गांव गांव में भ्रमण कर और उसका जो एरिया इंचार्ज है हर पंचायतों पर, उसका एक एरिया पर जो है सारे फैक्ट्रियों ने एक निर्धारित कर दिया है, नियुक्ति कर दिया है कि आप इस एरिया का पैमाइश करो कि कितना। तो ये तो आज किसान का जो है, ये किसान तो चलकर फैक्ट्री में नहीं जाता है। पहले परेशानी जो होती होगी, लेकिन नीतीश कुमार के बनने के बाद और मैं जब से हूँ तो ना कहीं एक होता है चालान की कमी, भुगतान अभी हिंदुस्तान में भारत में अभी एक नंबर भुगतान के मामले में मैं कह सकता हूँ कि एक नंबर में है। महाराष्ट्र में ले लीजिए, महाराष्ट्र 180 रुपया के दर से भुगतान कर रही है, 220 रुपया 230 रुपया जो है यूपी सरकार भुगतान कर रही है, और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आज 270 260 250 की दर से जो है बिहार के किसानों का भुगतान हुआ है और फैक्ट्री कर रही है। ये नीतीश कुमार का ही देन है। मंत्री जी देखिए, इस सवाल का जवाब और इस सवाल का रिएक्शन किसान भाइयों ने और जनता ने यहां बैठ के दे दिया। बहुत सही बात कही आपने। अलाइड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शुगर केन या जो हम गन्ने की बात करते हैं, इसके साथ कुछ अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई थी जैसे कि चॉकलेट और पेपर। इन इंडस्ट्रीज को भी हम देखें तो अब बिहार से गायब होती जा रही हैं। क्या हम इन इंडस्ट्रीज के लिए, मैं मानता हूं ये डायरेक्टली आपकी वो नहीं है, बट सपोर्ट एक बहुत बड़ा था गन्ना उद्योग पर, तो आपको लगता है कि अगर वो वापस आएंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल विकास की हम बात करते हैं, जो हम सबके विकास की बात करते हैं, उस पर फर्क पड़ सकता है? क्या वो वापस आने की उम्मीद है? एकदम वापस किसी फैक्ट्रियां ओपनिंग हो गई, चॉकलेट और पेपर, ऑमलेट, क्या क्या जो है फूड्स का जो है वो तो उद्योग से संबंधित है, लेकिन समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के साथ भी हमारी बैठक होती है, समीक्षा बैठक में जो है हमारी भी बैठक होती है, तो मैं जो देखता हूँ जो अवलोकन में जो आता है इधर जो है कितनी फैक्ट्रियां लग गई और फैक्ट्रियां अभी लगाई जा रही है। यदि मुख्यमंत्री जी, जनता भी चाह रही है मुख्यमंत्री को, भारत के विश्वास मुख्यमंत्री हैं, भारत की जनता को अपनी विश्वास, अपनी खोई हुई जो किसान, जो भारत गांव का देश है और गांव में मुख्य रूप से 60% किसान रहते हैं, और किसान जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे ये देश मजबूत नहीं होगा, और इसका नेतृत्व इन किसानों की विश्वास नीतीश कुमार में ही है। आप जो देख रहे थे अभी शराबबंदी जो हुई, ये गन्ने में पहले स्प्रिट जो है ये किया जाता था, उसको बंद कर दिया, वो हो गया कि आप जो है इथेनॉल बनाए, इथेनॉल से अधिक लाभ होगा फैक्ट्री वालों को, अधिक पैसा मिलेगा। जब अधिक पैसा मिलेंगे तो उसका स्वाभाविक है कि उसका जो है प्रतिकूल, उसका प्रभाव जो है गन्ने के रेट पर पड़ेंगे। आज जो गन्ने 260 है वो कल 300 के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही मंत्री जी आपने। इथेनॉल, इसका जवाब भी बहुत सारे किसान भाई जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने मनमोहन सरकार में चिट्ठी लिखी थी कि इथेनॉल खरीदा जाए। अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल खरीदा जाए। अब आगे क्या है, क्योंकि उसके बाद से हम पे कोई आधिकारिक बयान इस पे नहीं आया, तो अभी क्या स्टेटस है? बयान तो रहस्य वाली, इथेनॉल से उसमें दवाई बनाने में, पेट्रोल में नहीं, नहीं एकदम जो है आ रहा है। जब बंद है कहीं ना कहीं सारी फैक्ट्रियां जो है इथेनॉल जो है ये अपना कर रही है, और उसको जो है पेट्रोल कंपनी को जो है लेना है, उसमें कहीं बयान नहीं आ रही है। अगर कहीं बयान आदेश दिया है, नहीं पूर्ण रूप से शराबबंदी होना ये आपको क्या परिलक्षित दर्शाता है? इसमें जो है कहीं समझौता जो है नीतीश कुमार और बिहार सरकार को जो है शराबबंदी से नहीं है, और उसका नतीजा आपको देखने में बहुत जल्द मिल जाएगा, मिल रहा है। मंत्री जी
एक और बात जो होती है आमतौर पर हमारे जो साथ के लगे राज्य हैं, क्या उनके साथ मिलकर किसी नीति पे काम करने के बारे में सरकार ने सोचा है या सोच रही है? नहीं, हमारी सरकार, ताकि किसानों को बेसिकली फायदा ज्यादा हो सके। नहीं, हमारी सरकार तो नीतीश कुमार तो सारे देश के अन्य, आप राज्य की बात करते हैं, पूरे देश, जो प्रधानमंत्री अभी जो मोदी जी हैं वो तो राज्य हित में और किसान हित में, देश हित में किसी भी सैद्धांतिक रहा सवाल वो समझौता और साथ चलने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, उनको ये नहीं है। लेकिन उनकी सोच सकारात्मक है, देश हित में, जन हित में जो होगा वो उससे वह जो है वही उस पर जो है किसी से समझौता करने के लिए वो तैयार है और काम करते हैं। अन्य राज्यों में भी जैसे शराबबंदी के ले लीजिए, वह तो न्योता हर जगह उनको मिल रहा है। वह झारखंड में भी जाकर उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से आप शराब बंद कीजिए, इससे ज्यादा प्रभावित कहीं ना कहीं किसान ही होते हैं। मंत्री जी, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि किसान आगे शराबबंदी से जो असर पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बोलें कि बिहार का किसान, क्योंकि आमतौर पर विदेशों की अगर हम तुलना करें या विदेशों से तुलना करें तो हम एक स्टेट नहीं, एक स्टेट से बाहर निकलकर एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य मिलकर काम करते हैं तो शायद बेहतर प्रोड्यूस होता है, बेहतर आउटपुट होता है। क्या सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है या नहीं? नहीं, नहीं, वो तो राज्य हित में मैं बोला ना, उत्तर प्रदेश की विराज से वह जो है चाहते हैं। अभी लखनऊ में दो चार दिन पहले जो है लखनऊ में भी जाकर कहा, उन्होंने खुला मन से उन्होंने आह्वान किया। झारखंड में वह तो जो है मिलजुल कर काम करने के लिए जो है, और आपने किसान रहा सवाल देखिए, जानता किसानों के लिए, तो ये शराबबंदी 99% कहा जाए तो उससे अफेक्टेड प्रभावित किसान होते थे, कहीं ना कहीं दूसरा कोई नहीं होता था, मुख्य रूप से किसान प्रभावित होते थे। अरे उसका ले लिया जाए परिवार, महिलाएं तो नीतीश कुमार को भगवान के रूप में देख रही है, भगवान का जिस तरह पूजा करती है महिलाएं, उस तरह नीतीश कुमार का पूजा करती है ये शराबबंदी पर, और शराबबंदी होना चाहिए, इससे कोई ये समाज को उजाड़ फेंकने वाला ये जो है पदार्थ था। मंत्री जी, आखिरी सवाल रखेंगे, उसके बाद मैं किसान भाइयों से और यहां जो मौजूद मिल मालिक हैं उनसे सवाल लूंगा। नीतीश सरकार और आपका विभाग बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू करने के लिए, हमें अगर आप बिंदुवार तरीके से बताए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है साहब, 27 मिल, कुल 11 बच्चियां चल रही हैं जो, इनके लिए आगे और गन्ना उद्योग बढ़े, गन्ना उद्योग का विकास हो, आप लोग, आपकी सरकार क्या कर रही है? 11 मिले चल रही हैं, 27 थी, 11 चल रही है, वही ना, 7 मिले की जो है निविदा दी जाए, कि हम बोला ना कि उसका एक रयाम जो चालू, जो 17 का सीजन जो है पराई करेगा, वहाँ भी काम लग गए हैं। इसको यहाँ बीठा को ले लीजिए, और ये कोई नहीं, उसमें दूसरी फैक्ट्री लग रही है, और जो 8 मिले थी, सरकार यदि प्रयत्न किसानों के प्रति जो है जागरूक नहीं होती, उसकी चिंतन में अगर ये सरकार हमारी नहीं करती, नीतीश कुमार किसानों के प्रति सोचते नहीं, तो ये 5वीं बार निविदा है। सरकार तो आमंत्रित कर रही है, सरकार बुला रही है, अब यहां हम आपको हर तरह की सुविधा मुहैया सरकार कराएगी, बैंक से भी हम जो है इंटरेस्ट देंगे और आप फैक्ट्री लगाएं। 5वीं निविदा जो है आमंत्रित की गई है, आपको 10-20 रोज के अंदर आपको अखबारों में भी देखने को मिला है, अगले बैठक जो है विगत कैबिनेट की बैठक से स्वीकृति, मंत्रिपरिषद से स्वीकृति भी दी जा चुकी है, अब जो पेपर का जो प्रक्रिया है वह आपको अखबारों में मिल जाएगा। सरकार बिल्कुल इसके लिए जो है यह है कि बंद चीनी मिलें जो हैं दोबारा चालू हो, और ये वर्तमान सरकार इसके लिए मुहिम छेड़ चुकी है, और वह तब तक जो आपने जो बात कहा खुई हुई, तो खुई हो सकता है ये कौन जानता है, पाछे क्या इतिहास को छोड़ते हुए आगे आज नीतीश कुमार एक नया इतिहास बना डाले बिहार के लिए, ये कोई नहीं जानता है, और उसी लक्ष्य और उसी नीति के में नियति होता है, नियति का नतीजा है, उनके दूरदर्शी का नतीजा है,
कि एक चंपारण के मामूली एक किसान के बेटा को ये गन्ना विभाग जिम्मेवारी पर दिया कि जो मैं वाकई बहुत बड़ी किसानों की बहुत बड़ी बात है दर्द को मैं तालियां हो जाए एक बार मंत्री जी के ब्लॉक प्रमुख के सफर ब्लॉक प्रमुख से जो सफर शुरू हुआ था आज वो प्रदेश के गन्ना उद्योग मंत्री हैं। मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। अब हम जनता जनार्दन होती है जैसे आप जानते हैं, जनता से सवाल लेंगे। आप में से जो भी मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। जी जी बता दीजिए सर, बैठिए आराम से बैठिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा एकदम सही कहा, आप बराबर ये कह रहे हैं कि सर 27 मिलों से 11 मिल हो गई, ये हो गई। आपको देखना चाहिए जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय सिर्फ 8 मिलें चल रही थी, उन 8 मिलों की पेराई क्षमता क्या थी। आज नीतीश जी की देन है, नीतीश जी ने हैं हमारी इंसेंटिव पॉलिसी लाई, जब जब मिलों को विपदा हुई, जब जब हम लोगों को आर्थिक सहायता दी, हम लोगों को जिंदा रखा, आज उन्हीं की देन है कि 8 मिलों से 11 मिलें हुई और आज हमारी पराई क्षमता 6.5 लाख क्विंटल प्रतिदिन है। आप जिस समय की बात कर रहे हैं 27 मिलों की, उस समय जो हम चीनी का उत्पादन करते थे उस चीनी के उत्पादन से आज हम 11 मिलें भी मिलके 2.5 गुना उत्पादन कर रहे हैं। उस समय 28 मिलों की कैपेसिटी बहुत मामूली कैपेसिटी थी, आज हमारी 6.5 लाख क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से है। आज 6.5 लाख क्विंटल गन्ने को के हिसाब से मुझे 150 में 9 करोड़ क्विंटल करना चाह रहा था। सवाल ले लेते मंत्री जी से नहीं तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, दूसरा मेरा कहना है, सवालों का समय कम बचेगा हमारे पे, मैं समझ गया आपकी बात सर। दूसरा मेरा कहना है जी कि आज जो चीनी मिले यहाँ खड़ी है या जिंदी है वो आज नीतीश जी की देन है, नीतीश जी की सोच है, नीतीश जी की है, दृढ़ संकल्प है और उन्हीं की वजह से आज चीनी मिले जिंदा है। नहीं तो आपके बगल में यूपी राज्य है, यूपी राज्य में पिछले 3 सालों में 22 मिलें बंद हुई है, जबकि आपके बिहार में 1 मिलें बंद हुई और किसानों का पेमेंट आज भी भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा 90% बिहार का ही है। इसकी भी देन नीतीश जी की है, नीतीश जी की सोच है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि साहब नीतीश जी और हम और सरकार सब साथ में मिलकर काम करें तो वह दिन दूर नहीं है कि बिहार का नाम भी शुगर इंडस्ट्री के नक्शे के अंदर आए। जी अब हम सवाल लेना चाहेंगे, सबसे पहले चाहेंगे किसानों से अगर सवालों की शुरुआत होती, जो किसान भाई हमारे साथ हैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहें। जी मैं अरुण कुमार, पहले आप अगर नाम बता दें और कहां से आए हैं तो बेहतर रहेगा सर। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा, मैं रीगा शुगर फैक्ट्री से बिलोंग करता हूं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। पत्रकार महोदय जो बताए कि यहाँ, तो आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ शुगरकेन पटना के एक होटल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।